आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम। भाई आज बात करेंगे हम जो महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। रचनाएं जो है ये हर एग्जाम में आती हैं, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम है, चाहे 10th है, 12th है, चाहे आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, चाहे आपका UPSC हो गया 2023 में दे रहे हैं, 24 में, व्हाटएवर, जब भी दे रहे हैं, तो सभी में पूछी पूछी आती है। उसमें हिंदी वाला पोर्शन होता है, वो हिंदी व्याकरण का पोर्शन होगा या हिंदी साहित्य का, तो वहाँ पर पूछी पूछी आनी है, एक तो रचना जरूर आती है। तो अपनी रचनाएं तो जो बिल्कुल पक्की कर लें, चाहे आपका सीटेट है, चाहे UPTET है, रीट है, SSC, रेलवे, सभी में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, पहली जो आज क्लास है जो हमारी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। क्लास खत्म होने के बाद PDF टेलीग्राम ग्रुप से ले लें। तो स्टार्ट करते हैं, पहले द काल का विभाजन देख लेते हैं नामकरण, फिर उस हिसाब से जो कवि जो और लेखक उनकी रचनाएं दी गई हैं। तो फर्स्ट है हमारा जो आदिकाल, 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक है ये। फिर दूसरा हमारा जो भक्ति काल है, ये 14वीं सदी के मध्य से जो 17वीं सदी के मध्य तक है। और ये जो रीति काल है, 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक माना जाता है। तो ये काल का विभाजन हो गया, आदिकाल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, इनमें से तीन क्वेश्चन पूछा जाता है। फोर्थ है हमारा जो है आधुनिक काल, आधुनिक काल जो है हमारा जो 19वीं सदी के मध्य से और अब तक माना जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं आधुनिक काल। इसमें जो आधुनिक काल के जो कुछ पार्ट्स हैं, जो पहला है जो पूर्ण जन्म काल जिसको बोलते हैं भारतीय हिंदू युग, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसका जो टाइम पीरियड है 1857 से 1920 तक माना जाता है। इसमें दूसरा आ जाता है हमारा जो जागरण या सुधार काल जिसको बोलते हैं, इसको द्विवेदी युग, आचार्य रामचंद्र सूत्र जो इसमें और जो बहुत सारे हैं, तो 1900 से 1918 तक इनसे पूछा जाता है, इनसे क्वेश्चन बनेगा। फिर थर्ड हमारा जो है आपका आता है छायावादी युग जो 1818 से 1938 तक माना जाता है। फिर फोर्थ हमारा जो छायोत्तर युग काल माना जाता है। फिर इसका जो पार्ट है प्रगति काल जिसको बोलते हैं प्रगति प्रयोग काल, 1938 से 1953 तक माना जाता है। फिर इसका जो सेकंड पार्ट आ जाएगा नवलेखन काल, जो 1953 से अब तक माना जाता है। तो आधुनिक काल का जो हमारा जो फोर्थ का छायोत्तर काल जो अब जो चल रहा है, जो नवलेखन काल जिसको बोलते हैं 1953 से और अब तक है, इस तरह से पूछे। अच्छा, आदिकाल का नामकरण देख लेते हैं, नाम जो और किसने दिया। तो चारण काल जो जागीरी यशन ने, जो प्रारंभिक काल जो मिश्र बंधु ने, बीज वेपन काल जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीर गाथा काल जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो सिद्ध सामंत काल जो पंडित राहुल सास्कते ने, वीर काल जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, संध्या काल एवं चारण काल जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आदि काल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और आधार काल जो समन राजे ने। आदिकाल साहित्य काल रचनाएं, तो सरहा जो दोभाकोश, और दलपति विजय जो कुमास रासो, दलपति नलहा जो बीज दलदेव रासो, और जगनिक जो परमाल रासो, चंद्रप्रदाय जो पृथ्वीराज रासो, और नलहीर सिंह जो है जो हमारे विजयपाल रासो। विद्यापति आ जाएगा इसमें जो कीर्ति लता और पद्मावली और जो कीर्ति ताका इसमें माने गए हैं। तो आदिकाल के देख लेते रचनाकार और रचना है। इसमें आ जाता है अब्दुल रहमान शमदेश शासक, स्वयं शंभु जो पवन चिरिक ऑफ नागपुर, नागकुमार जो नचरियु, और धनपाल, इनकी जो देखो अलग अलग है इस तरह से, इनके नाम थोड़े से डिफिकल्ट है, तो ये भविष्य कहा जिसको बोलते हैं। और देवसेन को जो आता है श्राव का चार आवसुक बोलते हैं चंद्रपाल लास, और अमीर खुशरो को बोलते हैं खाली कबारी मुकरी और गजल दो सखुने, कलश लाभ में जाकर ढोला मारू दू। और भक्ति काल के भक्ति काल में आ जाते हैं कबीरदास, दादू दयाल, मलिक मोहम्मद जायसी, पब्लिक मोहम्मद जायसी के देख लेते हैं, पद्मावत अखराट, और जो आखिरी कलाम, तो ये पद्मावत तो बहुत बार पूछा गया। सूरदास के देख लेते हैं, सूरदास की जो है जाएगा सूर सागर और सूर सरावली, साहित्य लहरी और गोवर्धन सिंह। और कम टाइम में जल्दी रिविजन के लिए ये जो क्लास इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारे जो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो पुस्तक और एक तरफ जो आ जाएगा भाषा, तो वैराग्नी संदीपनी ब्रजभाषा में है ये, तो कौन कौन सी इनकी भाषा पूछी आती है। रामाग्रह प्रश्न जो अवधि में है, रामलला नछु नहू ठेठ अवधि में है, जननी मगन मंगल जो अवधि में है, रामचरितमानस अवधि में है, रामचरितमानस का कई बार पूछा गया अवधि में है ये, और पार्वती मंगल जो अवधि में है, कृष्ण गीतावली जो ब्रजभाषा में है। अच्छा, इस तरफ देख लेते हैं पुस्तक और भाषा, जो गीतावली ब्रजभाषा में, विनय पत्रिका ब्रजभाषा में, द्वावली ब्रजभाषा में, बरवे रामायण जो अवधि में, और कवितावली ब्रजभाषा में। हिंदी के प्रमुख जो सूफी कवि और जो काव्य निम्नलिखित है, इसमें जो रचना और जो काव्य, कवि जो हंसावली, जो असाज्ञात
जो चंदायन जो मुल्ला दाऊद सत्यवती कथाया जाएगी, जो ईश्वरदास मृगरावती मुजावे कुटुंब पथा होते जायसी, और जो मधु में लिखा जाएगा मंजन। अच्छा, रचना और कवि इसमें आ जाएगा माधव माधवा नल में जो कामल धल्ला, तो इसमें आ जाएगा कवि है जो आलम, चित्रावली के जो उस्मान है, ज्ञानदीप के जो शेख नबी है, हंस जावेद के जो कासिम शाह है, इंद्रावती के नूर मोहम्मद है, और अनुराग बासुरी के जो नूर मोहम्मद है। फिर आ जाते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी, इनके जीवनी, इनके जो काव्य, काव्य में जो झरना आंसू लहर कामायनी कानन कुसुम, और जो नाटक में आ जाएगा राज्यश्री, इनके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे आते हैं हर बार, हर कोर्स हर वीक में एग्जाम में, बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अजात शत्रु चंद्रगुप्त किसगनगुप्त धर्म स्वामी, उपन्यास में जाएगा कंकाल तितली इरावती अधूरा है, इरावती जो अधूरा उपन्यास है इसके बारे में पूछा जाता है, और कहानी संग्रह में जाएगा जो छाया प्रतिदिनी आंधी इंद्रजाल और आकाशदीप। फिर आ जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निलारा, इनकी जो माना जाता है टाइम माना जाता है 1899 से जो आ जाएगा 1961 ईस्वी तक माना जाता है, तो इसमें जाएगा पहले पहली इनकी जो अनामिका 1923 में ईस्वी में ये थी, दूसरी आ जाएगी परिमल जो 1930 में, फिर गीतिका 1936 में, फिर तुलसीदास 1938 में, फिर आ जाएगा कुकुर मुक्ता, कुकुर जो है तुलसीदास जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, हम जो क्या जाए तुलसीदास को, तुलसीदास को लगा कहने गलत है, कुकुर मुक्ता जो आ जाएगी 1942 में, अनामिका अनिमा तो ये आ जाएगा 1943 में, बेला 1946 में, नए पत्ते 1946 में, अर्चना 1950 में, आराधना 1953 में, गीतागुंज जो 1954 में, संध्यावली 1969 में ईस्वी में। फिर इसके बाद आते हैं हमारे जो सचिनानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, जिनको इनका पूरा नाम भी पूछा गया कई बार, तो जो अज्ञेय का जो मूल नाम जो सचिनानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय थे, उन्हें जो अज्ञेय के नाम से जो काव्य रचना है, उनकी जन्म जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में कहा, जो यूबी स्पेशल के नाम से जो ये स्पेशल हो जाता है क्योंकि जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, किंतु बचपन जो लखनऊ में इनका जो श्रीनगर और जम्मू में बीता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी और संस्कृत में हुई, जो उनकी प्राइमरी एजुकेशन थी वो संस्कृत और उसमें रहने वाले कहा के थे मूल जो मूल रूप से कुशीनगर उत्तर प्रदेश के, लेकिन इनका जो बचपन जो बीता लखनऊ और जो पापा की पोस्टिंग होती रही, इस वजह से उन्होंने हिंदी इन्होंने जो बाद में सीखी, आरंभ में जो विज्ञान के अभ्यर्थी थे बाद में सीखते हैं, क्योंकि जो साइंस का स्टूडेंट हो सकता है कि बाद में भाई फिर ठीक है मैं बीए करूं, या वैसे फिर जो एक वो होता है ना लालच होती है कि मैं अच्छा कर सकता हूं। फिर क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने पर उन्हें जो अपना अध्ययन बीच में छोड़ना पड़ा, वे 4 साल जो जेल में भी रहे और 2 वर्ष बाद जो 2 वर्ष के लिए नजरबंद भी रहे थे। तो उनकी कुछ मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो भग्रदूत, चिंता हरी घास पर, क्षणभर, इंद्र इंद्रधतु, बोंदे हुए, आंगन के पार, कितनी नावों में कितनी बार आदि, जो की संपूर्ण कविताओं का संकलन जो सदा नीरा नाम से जो 2 कामों में प्रकाशित है, तो इनको पूछा जा सकता है जो सारी जो भी कविताओं का संग्रह तो सदा नीरा की जो नाम की जो है काव्य उसमें जो संगीत है। शेखर एक जीवनी, नदी के दीप अपने अपने अजनबी, उपन्यास इनका, और यावा पर रहेगा और याद, एक जो गोन साहस उछली, यात्रा व्रंथ, त्रिशंकु, आत्मपद निबंध, ओ विपतगा, परंपरा, कोठरी कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, और जो 13 प्रतिरूप, कहानी संग्रह प्रमुख इसकी रचनाएं हैं। फिर आ जाता है हमारा जो आधुनिक काल, आधुनिक काल में जाएगा भारतेंदु युग है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र इनके हैं, तो विजय वल्लभी, विजयनी और विजयपति का, नए जमाने की जो मुखरी, नाटक एवं जो एकांकी, अधूरी नगरी और भारत दूरदर्शी, वैदिका हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद, भारत जननी और जो नील देवी, सुंदर सा विद्या सुंदर, दुर्लभ बंधु और सती प्रताप इसमें प्रमुख है। फिर आता है द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युद्ध के जो माने जाते हैं जो महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के नाम पे इनका जो युग का नाम द्विवेदी है, द्विवेदी युग है। तो कालिदास की जो निरंकुशता, संपत्ति शास्त्र, रसमुदन, हिंदी काव्य की उत्पत्ति के नाट्य शास्त्र है, और जगन्नाथ दास रत्नाकर, तो गंगा गवा, गंगा तरण, उद्वा शतक, गंगा लहरी, हरिश्चंद इनके प्रमुख है। फिर आ जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश जो बोलते हैं, इनको जो वैदेही, वनवास, प्रिय प्रवास, रस कलश उपन्यास में आ जाएगा, अदली का फूल, ठेठ और हिंदी के ठाट। फिर आता है मैथिली शरण गुप्त, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों जो हैं, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी के हैं जो साकेत है, भारत भारती है, यशोधरा द्वापर है, जो रंग में भंग, जयद्रथवध, ये कई बार पूछा जाता है साकेत और जो जयद्रथवध, पंचवटी, जो झंकार, झंकार भी इनका है, जय भारत और विष्णु प्रीता। फिर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, तो इनकी जो पहली इनकी है रेणुका है, रसवंती है, कुरुक्षेत्र है, परशुराम की प्रतीक्षा है, रसिमगति और उर्वशी। फिर है कवि और रचनाएं, तो जयशंकर प्रसाद जी
तो इन्होंने जो जन्म माना जाता है 1889 से 1937 तक, उनकी जो रचनाएं हैं झरना 1918 में आई थी, आंसू हमारी 1925 में, लहर हमारी 1933 में, कमाई 1936 में, इस तरह से। फिर एक कवि दूसरा है सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म जो 1900 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई 1977 में। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, पल्लव है, वीणा है, कुंजन है, काला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, सत्यम, उचितम। पल्लव हमारी 1926 में आई थी, वीणा हमारी 1927 में, गुंजन हमारी 1932 में, काला और बूढ़ा 1959 में, और लोकायतन हमारी 1964 में, और सत्य काम हमारे 1975 में, और चितम्बरा हमारे 1968 में। कवि है फिर नेक्स्ट हमारा जो महादेवी वर्मा, दूसरी रचनाएं हैं। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म जो 1907 में हुआ था और मृत्यु 1987 में हुई थी। फिर आ जाएगा निहार 1930 में, तसीम हमारा 1932 में, नीरजा हमारे 1935 में, संध्या गीत हमारे 1936 में, यामा हमारे 1940 में, दीपशिखा 1942 में। फिर आता है प्रगतिवादी प्रयोगवादी नई कविता, नागार्जुन हमारा जो युद्धाभी सन रखे शंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें जो भस्मा कर तुमने कहा था, सिंदूर लकिता झील, खिचड़ी पल्लव तुमने देखा, बादल के गिरते देखा, चना और जोर गरम, ये उपन्यास में जाएगा रति रतिनाथ की चाची और बलचनमा वरुण के बेटे और जो तू कह भी है इसके जो और दुखी मोशन। फिर इनके बाद आता नंबर जो सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञ, हरी घास पर जो क्षण भर इंद्र धनुष के रोंदे हुए, ये सारे पूछे आते हैं भाई, आंगन के पार द्वापार भग्र दूत जो इत्यालम नदी के दूर, यह जो दूर अकेला नदी की जो बाघ पर छाया, पहले में सन्नाटा बनता हूँ धर्मवीर भारती अंधायु कनु प्रिय ठंडा लोहा, और गजानंद में जो माधव भुक्ति मोहन चांद का मोटेड़ा भूरी भूरा खाक धो। फिर आता है माखनलाल चतुर्वेदी, तो हिम रतंगनी हिम कवि जो सुभद्रा कुमारी चौहान, तो मुकुल त्रिधारा झंडे की इज्जत में, झांसी की रानी जलियांवाला बाग स्वदेश के प्रति, हरिवंश राय बच्चन में जाएगा मधु कलश मधुशाला जो मधुबाला विश्राम निमंत्रण संतरंगनी मिलन यामिनी प्रणय जो पत्रिका त्रिभगनी चार खेमे में जो 64 फूटे। फिर आता केदारनाथ अग्रवाल की जो युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, सरदार पूरन सिंह का जो निबंध है आचरण की सभ्यता, मजदूर और प्रेम सच्ची वीरता, अंबिका की जो मस्त योगी कन्यादान और जो पवित्रता। फिर है हमारा जो राहुल सांस कहते हैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहानी का संग्रह जो जो बोलका की गंगा, सतमी के बच्चे, उपन्यास हमारा जो सिंह सेनापति जय योद्धे, और आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा, ये यात्रा में आ जाएगा यात्रा साहित्य में मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, धुमक्कर शास्त्र वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनका। फिर निबंध में जाएगा रामवृक्ष वेनपुरी जो है, फिर रेखा चित्र में जाएगा माटी की मूर्ति लाला जो लाला तारा लाल तारा, और जो निबंध संग्रह में जाएगा गेहूं बना गुलाब, और जो बंदे बीना विनायक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देख लेते हैं। फिर निबंध संग्रह में जाएगा अशोक के फूल है, आलोक पर्व है, विचार पर्व है, कल्पलता है, कुटुज है, विचार और वितर्क है, कन्हैया लाल मिश्र के देख लेते हैं, प्रभाकर रेखा चित्र है, जिंदगी जो मुस्कुराई माटी की माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वार, भूले बिसरे जो चेहरे, नई पीढ़ी के विचार, मोहन राकेश में का जो राकेश का जो नाटक है अषाढ़ का एक दिन, और लहरे और राजहंस और आधे अधूरे। फिर आ जाएगा गोकुलनाथ, तो 252 जो वैष्णव की वार्ता, 84 वनों की जो वार्ता, विठल नाथ का जंग श्रृंगार रस मंडल, राम प्रसाद रंजनी जो भाषा और योग शिष्ट पंडित, दौलत राम का जाएगा जो पन पुराण, ईशान लाखा की जो रानी केती कहनी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूछा गया, जो मुंशी सदाशिव लाल का जो सुख सागर, ये भी दोनों पूछे गए हैं, देखो इम्पोर्टेंट है, हो जाते हैं। फिर आ जाता है लल्लू लाल का जो प्रेम सागर है, फिर सदा मित्र का जो नासिक तोप खान ख्याल में, और जो लाला निवास दास का जो परीक्षा गुरु वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो रंधीर और प्रेम मोहिनी और संगीत स्वयंवर, कुमारी लाल गोस्वामी का जो इंदुमती, गोपाल दास जो गिरधारी का जो नहू, और जो मेशूद राजा बंदा नवाज का जो शिकारनामा, बालकृष्ण भट्ट का जो एक अनाज सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, खेरचंद्र शर्मा का जो उसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के देख लेते हैं, तो चिंतामणि रस मीमांसा जयसी जो ग्रंथावली, तुलसीदास ग्रंथावली, तुलसीदास 11 वर्ष का समय कहानी है इनकी, और सूरदास हिंदी साहित्य का इतिहास, महादेवी वर्मा जो श्रृंखला की कड़ियां
जो स्मृति की रेखाएं अतीत के चलचित्र पथ के साथ ही मेरा परिवार जयशंकर प्रसाद जी के देख लेते हैं। उसमें जाएगा सज्जन करुणालय पश्चात राजश्री विशाख चंद्रगुप्त अजात शत्रु गुरुस्वामी स्कंदगुप्त तितली आकाशदीप कामायनी एक भू और हरि वंश राय बच्चन जी का देख लेते हैं। नीड का निर्माण फिर क्या भूलू को याद करूँ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनके बारे में। फिर आ जाए पत्रिका और जो प्रकाशन स्थल और संपादक इसमें जाएगा उत्तर मांडत कलकत्ता से जुगल का किशोर जो शुक्ल है तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है पहला जो। फिर आ जाए गंगू दूध जो कलकत्ता से राजा मोहन राय जी ने। फिर प्रजा हितेशी आगरा जो राजा लक्ष्मण सिंह ने। प्रदीप हिंदी प्रदीप जो इलाहाबाद से बालकृष्ण भट्ट ने। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पूछे गए हैं देखो एक बार। कवि वचन सुधा जो काशी भारतेंदु हरिश्चंद हरिश्चंद जो मैगजीन काशी भारतेंदु हरिश्चंद वान ब्रह्मन जो कानपुर से प्रताप नारायण मिश्र से अबुद्ध जो हमारे प्रयागराज जो तो मदन मोहन मालवीय और यहाँ से आ जाएगा मर्यादा प्रयाग जो कृष्ण आनंद मालवीय। फिर आ जाएगा पत्रिका और जो प्रकाश स्थल संपादन पहला जाएगा हमारा जो प्रभा जो खंडवा कालूराम सरस्वती काशी जो श्याम सुंदर दास और जो महावीर है। इलाहाबाद से दूसरी हो जाएगा प्रसाद द्विवेदी इंदु काशी से जो अंबिका प्रसाद गुप्त जो जयशंकर प्रसाद चांद प्रयागराज से राम राम रथ सैकल महादेव वर्मा। फिर प्रभा जो आ जाएगा हमारा जो कानपुर से इसमें आ जाएगा बालकृष्ण नवीन शर्मा की है जो ये जो पत्रिका ये पत्रिका जो है चारों चार जो है एक होगी सरस्वती एक हो गई हमारी इंदु एक हो गई मेरी चांद और प्रभा तो ये पूछी जाती है इसमें जो प्रकाश कहाँ से प्रकाश होती है इसको प्रकाशन करने का नाम किस किस को कौन कौन करता है तो सारे जो इसमें इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये जो आपके जो एग्जाम की दृष्टि से तो चार है चारों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है चारों आई हुई है। फिर हमारे पत्रिका दूसरे देख लेते हैं प्रकाशन स्थल और संपादक। फिर संचेतना दिल्ली से डॉक्टर महादीप सिंह आलोचना दिल्ली नामवर सिंह समीक्षा हमारा पटना गोपाल राय। फिर आ जाएगा वर्तमान साहित्य इलाहाबाद धनंजय। फिर नई कहानी इलाहाबाद से जो भैरव प्रसाद गुप्त। फिर आ जाएगा विकल्प हमारी जो है इलाहाबाद से शैलेश मटियानी वशुद्ध हमारा जो जबलपुर हरिशंकर प्रसाई ज्ञानोदय हमारे कोलकाता से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। फिर कथांतर हमारे पटना से प्रताप सिंह और नई धारा हमारे पटना उदयराज सिंह। फिर हमारा जो आएगा इसमें देख लेते हैं फिर गुलाब फिर जो रचनाएं हैं जो ये हमारी इसमें कौन कौन सी है बाबू गुलाब राय की। बाबू गुलाब राय की जो पहला है जो हमारा जो ठलवा क्लब और मेरी मेरी असफलता है जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर है फणीश्वर फणीश्वरनाथ रेणु फणीश्वरनाथ रेणु का रेणु की देख लेते हैं। इसमें जो प्रति और जो परिकथा और मैलाचल कई बार पूछी गई है। फिर अमृत राय मिश्र की जो कलम के सिपाही जो हम सोचते इसमें लगाते हैं कि किसको लगाएंगे वाला जो आपका मुंशी प्रेमचंद जबकि मुंशी प्रेमचंद इसमें क्या है अमृत राय अमृत लाय। फिर आता है हमारा जो जसपाल के जो आ जाएगा पर्दा और सिंहावलोकन। फिर भीष्म साहनी की जो तमस है अमृतलाल नागर की जो मानस का हंस गोंद और समुद्र। फिर भगवती चरण वर्मा की जो आएगी जो चित्रलेखा और जो भूले मिश्रित चित्र। तो भाई देखो ये हमारी सारी ये जो एक तरह से सारी रचनाएं थी।